इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। बुधवार को विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कमांडो के वेश में एक संदिग्ध युवक नजर आया है, जिसको पुलिस ने तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास में, जो कमांडो की वेश में दरगाह के अंदर दाखिल हुआ था, उसके पास सेना की वर्दी के साथ साथ पिस्टल का कवर और बेल्ट भी सेना की लगा रखी थी, जिसके बाद दरगाह कमेटी के जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उस युवक को दबोचा और दरगाह थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई थी और उसके बाद में देर रात ही दरगाह परिसर में जो शाहजनी मस्जिद है उसके पास में जो दरगाह कमेटी के सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने सेना के कमांडो के वेश में घूम रहे संदिग्ध युवक को दबोचा था। इसके पास से सेना के जो शर्ट होती है, कैप और पिस्टल कवर जो होता है और बेल्ट, इनको बरामद किया गया है और पूछताछ के दौरान ये देखा गया कि संदिग्ध द्वारा कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं दिया गया था। उसके बाद जब पड़ताल आगे बढ़ी तो ये खुलासा हुआ कि जो युवक है वो यूपी निवासी अब्दुल पठान है और पुलिस ने उसके परिजनों से फ़ोन पर बातचीत कर जानकारी भी ली, जिसमें उसके जो परिवारजन है उन्होंने बताया कि ये युवक है अब्दुल पठान, ये मानसिक अवसाद के अंदर बताया जा रहा है। और उसके बाद जब पुलिस ने पूरी पड़ताल, परिवार की पड़ताल कर ली, देर रात को युवक को पूछताछ करके पुलिस ने छोड़ दिया है।